क्या काफी मेरी लाइफ जी ना काफी जदों तू मेरी शादी हुई थी काफी टफ रही थी। अभी जो करना है आप नहीं करना, दिक्कत ही नहीं आई। मैं सारे ने काफी सपोर्ट की थी। जी हूं आप दिक्कत ही देखी रही, आ कैसे होएगा, वो किदा होएगा, पर मैं यही सोचती थी कि ये कुछ अगे कामयाब हो जान। पर इतना मैनू महसूस नहीं होया। ये मतलब उन्होंने मतलब मैं पहले ही समझाता है जब मैं जूंट में चली गई। सत श्री अकाल, मैं हरभजन कौर, वाइफ कर्नल मंगल सिंह, हुशियारपुर के रहने वाले। हसबेंड मेरे आर्मी तो पिछले साल रिटायरमेंट हुए ने, तो खास नहीं आई हाँ। मेरे मदर इन लॉ तो फादर इन लॉ सास रहिंदे सी, ते बच्चे सी तीन, इन्हों पढ़ाना, ट्यूशन जाना, बाकी जो भी अपना घर का छोटा मोटा काम करना। ते बाकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ की काफ़ी सपोर्ट रही। जे कहीं जाना तो उन्होंने बच्चों के कोल रहना, तो इस करके बच्चों सीखने को कुछ मिलया। तो मैं भी बड़ी हौसला सी मैनू कि चलो साथ मदर लॉ फादर लॉ रह रहे ने, तो मैनू इन्नी दिक्कत नहीं आई कि मैं बड़ी खुशी खुशी नाल बच्चे पाले। मदर लॉ फादर लॉ अपना चलते रहे, फील्ड च रहे अपना, चलो ये भी काफ़ी सपोर्ट करते रहे, फोन राही बच्चों भी समझाते रहे, अपना भी सारा घर का माहौल पुछते रहे, तो इन्नी दिक्कत नहीं आई। क्यों फादर इन लॉ तो मदर लॉ साथ सी, तो मैनू काफ़ी सपोर्ट मिली। बाकी एस एफ सारी असी फैमिली रहिंदियां सी, एक दूसरे को देख के असा बाजार च जो भी अपना काम करना करके आ जाना, तो सारे तो अपने हसबेंड जिहड़े सी सपोर्ट भी रही, फैमिली दी सपोर्ट रही, बाकी अपनी लेडीज दी सपोर्ट रही। साडी सीनियर लेडीज जिहड़ी सी महीने च एक वारी वेलफेयर करदे सी, ते वो अपना सारा ही फील्ड में गए हैं। तो बच्चों का भी जैसे भी कोई न्यूज आती थी, पर फिर बाद में कुछ थोड़ा सा फील होता था, बाकी बाद में तो बच्चों में बिजी रही। बच्चों जो पढ़ाना करना उसका यही सोचती थी कि ये कुछ अगे कामयाब हो जान। मेरे को यही ज्यादा शौक था कि आर्मी में जान, तो मेरे को मन यही था कि आर्मी में जान, तो उससे ज्यादा उधर ही लगी रही। पर इतना मैनू महसूस नहीं होया। काफी मतलब एसएफ में रहने से वो भी आर्मी माहौल, ये जो एक घर दिया जाता है रहने के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, जब बच्चे हस्बैंड फील्ड में चला जाता है तो तब हम लोग को बच्चे उधर लेके बैठ के पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे है कि जैसे बच्चों को काफी आर्मी सहूलता देती है, जैसे मतलब स्कूल जाना है बस आती थी, जैसे कोई मेडिकल का प्रॉब्लम हो जानी तो उधर एमआर रूम होता था तो उधर से चले जाते था, जहाँ डॉक्टर घर आ जाता था, तो कोई भी कंप्लेंट आनी थी, लाइट दी पानी दी कंप्लेंट आनी तो गेट में बता देते थे, तो एमईएस चले आ जाते थे। तो काफी मतलब आर्मी काफी सहूलता देती थी, जिस करके हमारे को दिक्कत नहीं हुई। एसएफ में भी दिक्कत नहीं थी आती, तो काफी लेडी सीनियर आती थी, सारे मतलब एक दूसरे के सारे ही एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो इतना फील्ड हस्बैंड फील्ड जान से कोई ज्यादा फील नहीं होता था कि एक दूसरे की सारे अब हेल्प करते सी। जैसे लेडी दूसरी आ गई, वो आ गए, आसपास में काफी होती थी, क्योंकि साढ़े सारे हस्बैंड अगे होंगे थे तो सानू मिलके चलना पड़ता। Myself, Colonel Mangal Singh, served in Indian Army for almost 39 years and got retired last year in June. Born in the village in a farmer family, came into Army in a technical in EME. Then after graduating, got commissioned in 1995. Particularly after I came into army, I was very lucky कि मेरे को मेरा जीवन साथी के तौर पे ये मिले। ये भी एक गांव से, एक किसान फैमिली से आए और इन्होंने आके मेरे साथ आर्मी माहौल को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हुए उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट किया। सिंस आप जैसे कि आप लोगों को पता है आर्मी में स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ बहुत कम होती है, हर 2 साल में पोस्टिंग्स। आई कीप फ्लोटिंग टू फील्ड एरिया सम टाइम इन पीस। तो वी दैट टाइम डिसाइडेड, इनफैक्ट शी डिसाइडेड कि वी शुड स्टे एट वन पर्टिकुलर स्टेशन सो दैट वी कैन कंटिन्यू अवर चिल्ड्रंस एजुकेशन, एज वी आर ब्लेस्ड विद 3 चिल्ड्रंस, एल्डर इज डॉटर, यंगर्स आर सन। तो ऑलमोस्ट फॉर 8 to 9 years वी वर एबल टू kept our promise to continue study in one school. Actually, I can, while sitting in the field area, can guide the children, beta acha padh lo, acha karo. But she is the one who shaped their personality.
टू कम अप टू दिस लेवल. टुडे वी आर प्राउड पेरेंट्स. माय डॉटर इज इन एयरफोर्स, शी इज इन द फ्लाइंग ब्रांच, शी इज स्क्वाड्रन लीडर, अगेन मैरिड टू ए स्क्वाड्रन लीडर एंड ही इज ऑल्सो ए पायलट. वी आवर बोथ सन्स आर डूइंग गुड. वन सन इज इन कनाडा, ही डिड एमटेक देयर एंड ही इज इन द गवर्नमेंट जॉब एंड ही इज सिटीजन देयर एंड वेल सेटल्ड. And younger son, after graduating from Pune University, he got admission in Chandigarh PEC for masters. But in that period, he got into the army. He got commissioned as a technical. But मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक mother है जो बच्चे को कहीं पहुँचा सकती है. Father तो he can provide the opportunity. He can provide पैसा दे दो, tuition का कितना लग रहा है, books अच्छी ला दो, school अच्छे में admission करा दो. बट एक्चुअली उसकी ग्रूमिंग जो है दैट ए लेडी कैन डू. मैं बहुत प्राउड है डिस्पाइट हर एजुकेशन, बट इसने घर में 3 इंजीनियर बना दिए एंड तीनों को ऐसा मोटिवेशन दिया कि मेरे बारे में बता के देखो डैडी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, इनको कुछ बाई चांस कुछ होता है तो हमारी सिक्योर है, कैरियर इनका सिक्योर है. तो बच्चों के माइंड सेट में एक डालना कि यू गेट इनटू द फोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक एक क्लास वन ऑफिसर जॉब और आर्मी जॉब, इट्स वेरी रेयर. जो इन्होंने कर दिखाया पेंशन आने के बाद मैंने रियलाइज किया बिकॉज आर्मी में लाइफ इज वेरी डिसिप्लिन, यू आर इन द कैंपस, यू हैव रिसोर्सेस एंड आप जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग दी कोऑपरेशन हेल्पिंग हैंड्स ऑफ दी अदर कलीग्स आल्सो. बट सिविल में आने के बाद आदमी को काफ़ी एक डिफरेंस फील होता है. जो इन्होंने मैं कई बार थोड़ा सा होता हूँ परट्रब हो जाता हूँ बट शी ऑलवेज नो प्रॉब्लम, लाइफ गोज दिस वे ओनली. तो आई एम वेरी लकी टू हैव हर इन माई लाइफ. आर्मी में तो ऐसे था जैसे सिविल ते आर्मी का फर्क तो काफी है. जैसे आर्मी में काफी डिसिप्लिन काफी मतलब था, आर्मी जैसे सिविल में इतना नहीं डिसिप्लिन है. कोई भी चीज मतलब ऑर्गेनाइज करनी हो तो नहीं हो पाती. जैसे आर्मी में तो हो ही जाती थी, कहाँ कहाँ से भी वो ले ही आते थे. जहां भी बोलना किसी को तो मतलब आर्मी वाले उसी टाइम ही पैदा कर देते थे. तो सिविल में है थोड़ा काफी टाइम बोलना पड़ता किसी को भी आने के लिए या कोई काम कराने के लिए, तो कोई टाइम से नहीं पहुंच पाता. तो जैसे आर्मी के रिटायरमेंट में सारे साडे जितने भी आर्मी के रिटायरमेंट ने वो आप गेट टूगेदर करते हैं. जैसे वो आई में चले गए तो पार्टी करनी, एक दूसरे ने मिलना, तो काफी फील करते थे. जैसे रिटायरमेंट हो गए हैं तो काफी सानू फीलिंग होती भी आर्मी का माहौल काफी अच्छा था. तो अभी भी चलो हम मिलके चलेंगे तो काफी एक दूसरे ना बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है. तो मैं पोस्टिंग सी तो उस टाइम आर्थिक आया था, काफी हल्ला मतलब काफी नुकसान हुआ था. जैसे गुजरात में काफी घर टूट गए थे, हमारा भी घर टूट गया था. रात को जब आया था हम लोग को 2 महीने तक हम लोग टेंट में रहे, वहाँ खाना बनाया, वहाँ नाना, वहाँ धोना, वहाँ बाथरूम बनाया. मतलब काफी दिक्कत तो काफी आई पर आर्मी में पता नहीं चलता. आर्मी में ऐसे तो सारे एक जैसे होते हैं, सबने टेंट लगाए थे, एक दूसरे में टेंट में निकलना, उधर जाना, सफाई अच्छी करनी, मतलब कोई इन्नी फीलिंग नहीं सी आती. पर हर एक मुश्किल का हल है. हर एक जिदा फौज की जो वाइफ है ना उन्होंने मतलब काफी सोचना ही पड़ता है कि ओदे च हिम्मत होनी चाहिए, मैं काम करना है तो करना ही है. क्यों जो हस्बैंड ने वो तो अपनी ड्यूटी में होते थे, उनको तो 24 घंटे ड्यूटी चाहिए ही. तो जे हम लोग भी थोड़ा सोचते भी हाँ भी कैसे होएगा, बच्चे कैसे पालेंगे, घर कैसे चलाएंगे, तो फिर तो दिक्कत आती ना. तो पर आर्थिक में भी अच्छा लगा, टेंट में भी रह के बहुत अच्छा लगा था. एक दिन में तो सारे ने घर बना लिए, अपने टेंट खड़े कर ले. आर्मी में ऐसे ही होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती ना सारे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं. मेनू तो यही मतलब मैसेज मेरा तो यही है भी जो आर्मी में जाना है तो मतलब आर्मी में तो अच्छा है. जो भी आर्मी में करना हस्बैंड नू ज्यादा मतलब
नहीं मतलब बोलना चाहिदा भी आप लेट क्यों आए हो ते कैसे कहाँ थे, पर ये नहीं पूछना चाहिदा भी आते को जे यही हम लोग पूछेंगे तो देश की सेवा कैसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने भी काफी अपना ऑफिस का जो भी हस्बैंड भी मेरे आते थे जो ऑफिस की बात सी ऑफिस में ही छोड़ देते थे, घर आके इसने कदे नहीं सीखा भी मेरे को ये मतलब मैं काम करके आया हुआ या मेरे को ये हो गया है भी, जैसे बाहर से आके घर से झगड़ा करना या कुछ करना ऐसा कुछ नहीं था। बाकी चलो आर्मी में एक तो थोड़ा सा लगता है अजीब लगता है भी टाइम में नहीं आ रहे, 3 बज गए 2 बज गए आजकल लड़कियां बोलती हैं, पर हमारे टाइम में तो हमारे को ऐसे लगता था भी सभी नहीं आ रहे, एक दूसरे को पूछ लेना भी कैसे आए ने तो कहना नहीं अभी नहीं आए, तो हम लोग को इतना फील नहीं हुआ। पर मैं आजकल की लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी आर्मी का सिस्टम है ना उसको समझना चाहिए, तो उसको देखना चाहिए भी वो कितनी ड्यूटी में आते हैं, कितना लोड होता है उनके भी, तो जे हम लोग ही आगे उन्होंने सपोर्ट नहीं करांगे तो फिर वो कैसे कर पाएंगे, क्यों लेडीज की सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए। मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ जो आज की जनरेशन यंग जनरेशन है, जैसे जो जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं जहाँ जो फौज में ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ फौज में आना चाहते हैं, अगर मैं एक ऐसे गांव से उठ के जहाँ उस टाइम मैंने जब मैट्रिक की लाइट नहीं थी उठ के मैं इस लेवल को अचीव कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट समबडी एल्स।